अस्सलाम वालेकुम आज जहानिया पाकिस्तान बोलता है बाग आज़ाद कश्मीर से। आज मैं आपको कॉलेज अपने कॉलेज की सैर करवाती हूँ। खुद सैर करना ही है, मैंने सोचा आपको भी करवा दूँ। ये मेरा कॉलेज है, वो ऊपर देख रहे हैं वो MTBC कंपनी है। ये शॉर्ट से वीडियोस बनाती हूँ मैं जी। तो नाज़रीन, मैं अभी अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गई हूँ और मैं आपको अपने प्रिंसिपल से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे जॉब करते हुए? अच्छा, और ये जो बिल्डिंग है कब से तामीर है यहाँ पे? ये जो कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग छः साल हो गए। अच्छा, और आप भी इसी अरसे से हैं ना? जब इसे थोड़ा पहले बनी थी। आप बेसिकली किधर से? आप इधर सही है। और आप कुछ कहना चाहेंगे, किसी भी कोई अच्छी सी बात करना चाहें कुछ इस तरह? कहना चाहूँगा कि एजुकेशन कॉलेज और एजुकेशन के हवाले से पैगाम देना चाहूँगा जी। जो बनती है वो तालीम से बनती है। सही बात है। हमारे सामने दुनिया में मिसालें हैं, अभी देखें तो जापान की तरक्की, कोरिया की तरक्की, चाइना, इवन यूरोप की। तो बेसिकली आपने जो ह्यूमन बीइंग ने इंसानों के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया। सही बात। और इंसानों की किस चीज़ पे इन्वेस्ट किया? वो इंसानों की तालीम और सेहत के ऊपर इन्वेस्ट किया जी। जिससे उन्होंने दुनिया में नुमाया मुकाम बनाया। जापान जो कि दूसरी जंग में तबाह आलमुल्क था, वो जंगी सतह में हथियारों से दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो मुकाबला जो उन्होंने किया वो तालीम के, अपने इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट किया। और वो इन्वेस्टमेंट क्या थी? वो तालीम, इंसानों की तालीम और उनकी सेहत, इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। तो फिर वो इंसान ऐसे काबिल बने कि दुनिया में उन्होंने रूल किया। या अमेरिका के प्रेसिडेंट के दफ्तर में जो चीज़ें बैठी उसका टेलीफोन तक गया तो वो जापान से बन के आता है। इस तरह उन्होंने मुकाम पैदा किया। चाइना ने भी इसी रास्ते से इंसानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। इंसान काबिल बने तो वो मशीनें और बड़ी अली सतह की टेक्नोलॉजी और सनतें फरोग पाई, उससे उनकी मैशियत ने तरक्की की, इंसानों की जो नया ज़िंदगी बुलंद हुआ, बेहतर हुआ, गुरुपुर दूरी। तो मेरी तस्वीर, थैंक यू सो मच। और ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा भी 2 साल इनके साथ गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, अभी मैं आपको कॉलेज की गर्ल्स से मिलवाती हूँ, मिलवाती नहीं हूँ, हाँ बात करती हूँ उनसे। तो फिर मैं आपको उनसे बात करके उनके आइडियाज़ आप तक पहुँचाती हूँ। हेलो मैडम, इधर आए, साइड पर हो जाओ, उन पीछे ना देखे यार, तू फिर से कैमरा यूज़ कर दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। थोड़ी आवाज़ करना। और कब से इस कॉलेज में आप? हम 2019 से। अच्छा, कर क्या रही हैं आप? BS एजुकेशन कर रही हूँ। BS एजुकेशन, कितना साल है, कितना साल है ये कोर्स, ये प्रोग्राम? अच्छा, और कैसी गुजर रही है आपकी कॉलेज में लाइफ? जी बहुत अच्छी गुजर रही है, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ का स्टाफ और यहाँ का स्टाफ और प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ जी। प्रिंसिपल साहब से तो हम मिल चुके हैं जी, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। और सुनाएं, आप स्टडी कैसे जा रही है आपकी? फिर इंशाल्लाह हम कोर्स कंप्लीट करके तो अच्छी जा रही है, तो आगे देखते। क्या बनना है आपने? हमने आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है या फिर टीचिंग करनी है? चलिए टीचिंग ही कोई नहीं कर रहा, आर्मी करते। अच्छा, सही है। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ हमारी एक क्लास फेलो जिनसे हमने आपकी बात करवाई। और ये हमारा कॉलेज, मतलब ये हॉस्टल है, कॉलेज का हॉस्टल। जी तो नाज़रीन, इसके बाद हम मैं आपको ये बाग आज़ाद कश्मीर की सैर करवा रही हूँ। ये हमारे कॉलेज के ऊपर 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 काफ़ी ऊपर वो जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको ना, ये है MTBC। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर की बहुत सी नौजवान नस्ल यहाँ पे काम करती है। काफ़ी लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। पाए जाते हैं।
इंशाल्लाह इसका वीज़ा की करना है हमने। मौसम भी अच्छा, वैसे आज तक आज के लिए इतना काफ़ी है ना, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और फिर बात करेंगे, एक नई न्यूज़ लेके आऊँगी, अपडेट नई न्यूज़ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आज जहानियों को इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।